तो लास्ट वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं एक बेसिक वीडियो दिखा देता हूँ कि क्या था लास्ट वाला वीडियो, तो पहले देखो। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे शादी में क्या क्या हुआ। ये जो लौंडा दिख रहा है, ये लौंडा तो मैं ही हूँ। यहाँ पे घोड़े में बैठ बैठ के मुझे यहाँ पे ढोल ताशे के साथ नाच नाच के मुझे हॉल लेके जा रहे थे। और ये आदमी मेरा बार बार सेल्फी ले रहा था। यहाँ पे जब हॉल में पहुंचा तो यहाँ पे मेरी एंट्री इतनी अच्छी हुई, क्या बोला, ऐसा का ढासो एंट्री दी। बट यहाँ पे मेरे होने वाली वाइफ ने जब मस्त की एंट्री मारी, जो पालकी में, वो भी सनी चौगड़े के साथ ऐसी एंट्री मारी कि मेरी एंट्री उसके सामने फेल हो गई, पूरा पैसा बर्बाद। यहाँ पे जब अक्षर डाल रहे थे, हम दोनों में कंपटीशन लग गया था कि कौन पहले हार डालेगा। मुझे लगा कि हार डालने के बाद शादी हो गई, पर नहीं, यहाँ पे 7 फेरे भी बाकी था। और ऊपर से यहाँ पे 50 किलो का मंगलसूत्र, ये तो देखो सफेद सफेद वायु, ऐसा लग रहा कि मेरी स्वर्ग में शादी हो रही है। ऐसा लग रहा था मेरे पापा ने सारे स्वर्ग से कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जब सारे विधि होने के बाद जब इतना नाचा क्या बोलो, हंस से खुल खोल के नाचा, रास्ते पे भी नाचा और तोड़ ताड़ के नाचा, इतना नाचा घर पे कब पहुंचा पता भी नहीं चला। मजा आ गया, सच्ची में बहुत मजा आया, आपको मजा आया। ओके सो आप लोगों ने अभी देखा होगा, तो उसके बाद अभी हम लोग अभी नहाने जा रहे हैं। और इसके बाद अभी यहाँ पे पता नहीं ये सब लोग यहाँ पे, क्योंकि सब जन भूखे हैं। अभी पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद क्या पता क्या होगा, पर देखते रहो वीडियो। जैसे शादी के पहले हल्दी लगाते हैं और शादी के बाद हल्दी उतारते हैं, तो आज वही रस्म है गाइस। और पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है गाइस। मम्मी ये कौन सा रस्म है? अच्छा, कुल्ली करते हो वाला, कुल्ली करना है, ऊपर फूकना है। अच्छा, पानी भर के इधर करते हैं। अरे तुमको अंदर नहीं ला तो तुम ना हारते हो। अरे नहीं करते, सर जीत रहे हैं, सर जीत रहे हैं, मुंह नहीं पकड़ना है। एक साथ एक साथ एक साथ हार ले, एक साथ कोपरा कोपरा नारे सर जोर ना जोर ना जोर नहीं मुरली, व्हाट इज इट? सावना,
तो ये हमारे पंडित जी जो अभी सत्यनारायण की पूजा करने वाले हैं, तो अभी पूरा चालू है काम। अभी हिडन टैलेंट दिखाते हैं इनका। पंडित जी धोती धोती नहीं पहना आपने, धोती तो पहनो। इनका ये इनबिल्ट धोती है, इनबिल्ट। शादी के बाद जो सत्यनारायण की पूजा होती है गाइस, वो तो हम लोगों ने कर दिया। अभी बात आती है घूमने की, मतलब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बाहर घूमने जाओ वगैरह, क्योंकि अभी छुट्टी ली है। तो पर छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 दिन का ब्रेक लिया था, बट अभी सिर्फ 4-5 दिन बाकी है। तो इसकी वजह से शायद मैं अभी नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा काम करूंगा स्टूडियो में, टैटूज वगैरह करूंगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट भरोसा करके मेरे से लिया है, उन लोगों के अपॉइंटमेंट पहले कम्प्लीट कर देता, उसके बाद फिर ब्रेक लेके मैं फिर छुट्टी मार सकता हूँ। और बात आती है मैंने पंडित जी का जो मजाक उड़ाया था, रियली सॉरी। हम लोगों का कुछ ऐसा गलत इंटेंशन नहीं है, बस वो हमारे जो पंडित जी है वो फैमिली रिलेशन में लगते हैं, तो हम लोगों उसमें चलता है। हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली की बॉन्डिंग उनके साथ, तो इसकी वजह से इतना मजाक चलता है, उनको भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सेकंड, हम लोगों ने जो गेम खेला गाइस, वो जो नारियल का जो खोबरा रहता है वो मुंह के अंदर रखना, तो वो हमारी परंपरा है। मतलब वो शायद परंपरा नहीं है, शायद हर शादी के बाद वो गेम होता ही है, जैसे पानी वाला गेम, उसके बाद एक जलेबी वाला गेम, वो शायद नेक्स्ट आएगा मुझे, क्योंकि इस वीडियो में नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहे थे, मतलब मेरी पूरी फैमिली बोल रही थी कि 2 या 3 दिन बात करेंगे, और भी बहुत सारे गेम्स हैं। बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, क्योंकि यार कंटिन्यू रात भर सो नहीं पा रहे थे हम लोग, क्योंकि शादी उसके बाद हल्दी, 2 दिन तो वैसे ही कंटिन्यू काम ही चल रहा था। सो फाइनली ये वीडियो यहाँ तक ही एंड करते हैं फिलहाल, क्योंकि छोटा वीडियो है, पर एडजस्ट कर लो गाइस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और फिलहाल यहाँ तक वीडियो कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बता, जितना हो सके उतना शेयर करना, प्यार बांटो, प्यार दो हमेशा, और लव यू, आई लव यू गाइस, कीप रॉकिंग एंड जय शिवराय।